ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी, नांगल चौधरी से इस वक्त की बड़ी खबर। झाड़ियों में मिला नवजात बच्ची का शव, नांगल चौधरी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गांव कालबा के पास का मामला, नांगल चौधरी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में, नांगल चौधरी से इस वक्त की बड़ी खबर। झाड़ियों में मिला नवजात बच्ची का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नांगल चौधरी से इस वक्त की बड़ी खबर। गांव कालबा के पास का पूरा मामला है जहां पर नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई, नांगल चौधरी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नवजात बच्ची का शव मिला है वहां पर, झाड़ियों में नवजात बच्ची का शव मिला है जिसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नांगल चौधरी से इस वक्त की बड़ी खबर। गांव कालबा के पास का ये पूरा मामला है जहां पर नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई, झाड़ियों में नवजात बच्ची का शव मिला है जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। गांव कालबा के पास का ये पूरा मामला है, नांगल चौधरी से इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम शर्मा यहां पर जुड़ गए हैं। शुभम, नवजात बच्ची का शव मिला है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बताना चाहूंगा ये मामला आज ही का है। पुलिस एक घंटे पहले पुलिस ने मौके पर पहुंची थी और ये झाड़ियों में बच्ची मिली है, बताया जा रहा है। डॉक्टरों से पूछा भी गया है, आज ही का बच्चा बताया जा रहा है। जी जी, इससे मतलब जो बताया जाता है इसके ऊपर ड्रिप लगी होती है, उस ड्रिप से पता कर पाएंगे कि बच्चा किसका है और कौन सी हॉस्पिटल से जन्म लिया गया है। चलिए, बेहद शुक्रिया शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। नांगल चौधरी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपका बता रहे हैं। नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी है, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। गांव कालबा के पास का ये पूरा मामला है, शव झाड़ियों में पड़ा मिला है। जैसे कि हमारे रिपोर्टर ने बताया कि जो जानकारी मिल पा रही है उससे पता चल रहा है कि बच्ची का जन्म आज ही हुआ था, जहां तक डॉक्टर अभी तक बता पा रहे हैं। झाड़ियों में ये नवजात बच्ची का शव मिला है।